नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे जनजाति क्षेत्र में हूं, पान सेमल में, जिसकी अपनी पहचान है, लेकिन यहां से 2018 में कांग्रेस को जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी अब 2023 की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होगी यहाँ पर। जयस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ लोग यहाँ निर्दलीय चुनाव मैदान में भी खड़े हो गए। कांग्रेस की तरफ से इनको बागी कहा जा सकता है। हालांकि अभी नामांकन उठाने में वक्त है, कौन का किसका नामांकन होगा, कौन उठ जाएगा। लेकिन देखिए, काफी लोग हैं यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, आम जनता है। लेकिन मुद्दे वही रहे हैं, विकास के मुद्दे, तमाम तरह की बातें, दावे प्रतिदावे बीजेपी कांग्रेस दोनों करते रहे। पर आज लेते हैं और समझते हैं कि पान सेमल में आखिर किस बात को लेकर बहस गरम है। यहाँ जयस भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सबसे पहले जयस से शुरुआत करूंगा। क्या है जयस, क्या अपना प्रत्याशी यहाँ खड़ा कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर बड़वानी जिले के पान सेमल विधानसभा में जिस हिसाब से कांग्रेस ने जयस को DNA कहकर अपना समझौता करने का हाथ बढ़ाया, उसके बाद में हाथ बढ़ाने के बाद में हाथ खींच के पीछे करना, यहाँ पर जब सर्वे हुआ, 8 साल का बच्चे से लेकर 80 साल का बुजुर्ग कह रहा है कि वर्तमान विधायक को छोड़कर किसी को भी टिकट दिया जाए वो जीत सकता है। लेकिन कांग्रेस की हाई कमान को इस बात का अंदाजा नहीं है, उन्होंने उसी कैंडिडेट को वापस तैयार किया है, तो कहीं ना कहीं खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस के तमाम लोग हैं सर, ये कह रहे हैं, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि घर में भी थोड़ा सा विवाद हो जाता है, तो ये विवाद थम जाएगा? थम जाएगा, प्रदेश में सरकार बन रही है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 150 से ऊपर सीटें जीतने जा रहे हैं। सभी की टिकट लेने की जो इच्छा है और अपेक्षा है, और हमारे जितने लोगों ने टिकट मंगा है, काफ़ी मेहनत करी है, और सब हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी नाराजी वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। हम लोगों की कोशिश रहेगी, क्योंकि आने वाले भविष्य में वो हमारे अच्छे नेता बनेंगे, इसलिए हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम उनको अपने साथ रखें और वो भी हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, और कांग्रेस इस विधानसभा में भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस, आप कह रहे हैं भारी भारी बहुमतों से जीतेगी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि भारी बहुमत से हम यहाँ जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही? भारतीय जनता पार्टी पूरी आश्वस्त है कि हम निश्चित ही विधानसभा जीत के आएंगे, क्योंकि हमारे मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जो काम किया गया है उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और निश्चित ही जनता हमें पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। लेकिन 2018 में तो आप लोग हार गए यहाँ से। कुछ भ्रमित हुए थे कार्यकर्ता हम लोगों के, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही थी थोड़ी सी इस चक्कर में, पर इस बार पूर्ण बहुमत से हम निकलेंगे। इस बार भ्रम टूट गया, तो इनका भ्रम टूटेगा इस बार? टूटेगा बिल्कुल। वो तो भ्रम तोड़ने की तैयारी में है। ये कोई जनता की सरकार नहीं थी, ये जो भी चली वो सरकार वो धनबल से चुनी हुई सरकार थी, ये सरकार कोई जनता की चुनी हुई सरकार नहीं थी। तो आप तो निर्दलीय मैदान में है, तो रहेंगे अब साथ में आ जाएंगे? हम दो निर्दलित 4 जन है, इसमें से अभी हमारा वरिष्ठ कोई भी नेता कार्यकर्ता है वो इसमें डिसाइड करेंगे जी, इसके बाद में आगे का कदम बढ़ाएंगे हम। तो आप लोग रहेंगे कि हट जाएंगे? देखिए, जैसे कि ये तो तय हो चुका है कि पान सेमल करे पुकार, आपकी बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भारी यहाँ पर जनशक्ति भी देखने को मिली थी। देखे कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सिखाने के लिए यहाँ पर जरूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर तानाशाही जो बढ़ती जा रही है, वर्तमान में यहाँ पर पान सेमल आजादी के बाद से भी पीने का पानी गधे से भरा जा रहा है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। यहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र पलायन होकर लोग चले गए, यहाँ पर कोई भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता है। इसीलिए हम लोगों ने यह तय करा है कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी को भी, हाईकमान को भी, हमने 7-8 उम्मीदवारों ने बायोडाटा दिया था कि वर्तमान प्रत्याशी का उठना बैठना नहीं होने की वजह से वो कमजोर पड़ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस जयस मिल के कमलनाथ जी से मिले थे, उन्होंने आश्वस्त किया था कि नए चेहरा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पान सेमल विधानसभा में घमासान हुआ और टिकट खरीदा गया है और उसे वापस लाया गया। घमासान का लाभ तो आप लोग को मिल जाएगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये इसी लाभ के भरोसे आप सोच रहे हैं कि जीत जाए? हम तो हमारे काम के भरोसे, इनके भरोसे नहीं हम। विकास के भरोसे, अगर विकास हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा शिवराज सिंह को रखती। इस प्रदेश में सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह का तय कर दिया है कि वो अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। सबसे बड़ी फेलवर इस सरकार की है,
रहा सवाल हमारे बीच घमासान का, हमारी जो चोट है वो दिख रही है, हम इसका इलाज कर लेंगे। बाकी बीजेपी जो है जिसको मुक्का मार कहते हैं वो लाइलाज बीमारी रहेगी और हमारा प्रत्याशी बहुत भारी मतों से जीतेगा। लाइलाज बीमारी कह रहे बीजेपी लाइलाज बीमारी रहने वाली नहीं रहने वाली है, नहीं रहने वाली, नहीं रहने वाली। इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह हमारा काम, बस काम के भरोसे हैं। अगर शिवराज मामा को बहनों की अगर इतनी चिंता थी तो पानसेमल विधानसभा से एक बहन को चुनाव उन्होंने क्यों नहीं लड़वाया? वो महिला को भी टिकट दे सकते, पुरुष को टिकट क्यों दिया? लाडली बहना की अगर असल चिंता है, महिलाओं की अगर चिंता है तो वो कांग्रेस पार्टी को है। आज जो आरक्षण की बात है जो 2028 और 30 में लागू होने वाला है वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है असली मुद्दे पर। और आरक्षण की जो लड़ाई थी महिला आरक्षण की वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी। बहुत सही। आरक्षण की जो लड़ाई थी वो आज जो उसको अंतिम विराम मिलने जा रहा है वो भी भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन उस लड़ाई का कहीं ना कहीं जो नतीजा है वो कांग्रेस पार्टी का बुना हुआ था। देखिए जैसे कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ये किया, भाई साहब को ये भूल गए हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर बढ़ते अत्याचार नंबर वन पे, आदिवासियों के साथ साथ में समस्त जो वर्ग आज आप पुराने इतिहास उठा के देख ले उसके साथ ये 18 साल में इतना अत्याचार बढ़े हैं, बहनों के ऊपर अत्याचार, भाइयों के ऊपर अत्याचार है ना, भाइयों के ऊपर अत्याचार, बेरोजगार युवाओं के ऊपर अत्याचार, ये क्या है? मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को दिखाई नहीं देता है। आज बड़े बड़े नेमावर जैसे हत्याकांड हो जाता है, नीमच में एक आदिवासी भाई को घसीट कर मारा जाता है, इंदौर में आदिवासी भाई के साथ मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही सरकार है। तो कहते हैं कि हम पैसा एक्ट लेकर आ गए, तमाम तरह की चीजें दे दी। पैसा एक्ट केवल जुमला है, ये पैसा एक्ट में किसी भी घर को चलाने के लिए फाइनेंस सुविधा होना जरूरी रहती है। पंचायती राज अधिनियम में जो नियम था, पंचायती राज 1993 के तहत ग्राम पंचायत को जो पावर थे वही पावर पैसा 1996 के तहत वही की वही दर्शाया गया। जबकि पैसा कानून श्री कांतिलाल भूरिया जी के समय 1996 में जिस मंशा से बना था, ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत निर्णय करेगी कि कितना पैसा खर्चा होगा। यहाँ तो भोपाल और दिल्ली से आदेश चल रहा, तो ये ग्राम पंचायत पैसा कानून कहाँ से हुआ? आदिवासियों के अत्याचार की बात हो रही है तो मैं खुद एक आदिवासी हूँ, इन्हें जहाँ पब्लिसिटी मिलती है ये लोग वहाँ चले जाते हैं। जयस हो या इनका अन्य कोई संगठन हो, और दूसरी जगह को जाते नहीं क्योंकि इन्हें वहाँ ही पब्लिसिटी मिलना है। तो इनको इतने आदिवासियों की चिंता रहती है तो सभी जगह जहाँ जहाँ घटना हुई वहाँ जाना चाहिए ना, सबसे पहले हमारे नेता पहुँचते हैं वहाँ पे। मणिपुर क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? महिला देखिए इन्होंने अच्छी बात बोली, आदरणीय सचिन भैया ने अच्छी बात बोली, हर घटना पे पहुंचना चाहिए। आज तक आप एक घटना बता दीजिए, आप कहाँ गए, एक घटना बता दीजिए। जयस हो, कांग्रेस हो, आदिवासी का जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, हर कांग्रेस भी नहीं जाते, कांग्रेस भी जाते हैं पर सामाजिक कार्यकर्ता जाते हैं, बीजेपी कांग्रेस उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। हाँ। जयस जाता है, जयस के ऊपर अपन इंजाम नहीं लगा सकते। और इन्होंने जो बात करी है ना, जो बात करी पैसा एक्ट की, आपकी बात आ रही थी, तो पैसा एक्ट में जो नियुक्ति हुई है किस आधार पे हुई? आरएसएस के जो चमचे थे वो झंडा उठा के चड्डी पहन के घूमते थे, उनकी नियुक्ति की गई किस आधार पे की गई? ये अभी ये शिवराज सिंह सरकार अभी गैस टैंक की क्या भाव था? 1175। अभी 450 करने में क्या, अभी क्या याद आई इसको? कर दिया ना 450, पहले करना था, अभी चुनाव आने के समय क्यों करा? अभी ये बीजेपी वाला भूल मनी रहना चाहिए। हुआ कि नहीं पहले करना चाहिए था कम, जैसे हाँ जैसे राजस्थान में 500 में कांग्रेस सरकार टंकी दे रही है, क्या बोल रही है, 920 रुपए ले रहे है ना, 500 रुपए खाते में आएंगे बोले शिवराज सिंह चौहान ने, अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने अभी 15 दिन हो गए टंकी भरवाई, मैंने अभी तक क्यों नहीं आए 500 रुपए खाते में? आना चाहिए ना। हमारा तो ये कहना है कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो बीजेपी नहीं कर पा रही है। अभी बीजेपी ने जैसे ये लाडली बहन योजना लाई है, लाडली बहन योजना लाई तो गैस टंकी भाव क्यों नहीं कम करे, उन्हें क्यों अछूता रखा गया? कि विधायक, आपकी विधायक को लेकर जयस तो लगातार सवाल उठा रहा है, जैसे हमारी विधायक के ऊपर से जैसे जयस हो, बीजेपी हो, सब सवाल उठा रहे, जायज हो, हर किसी के ऊपर उठाते हैं सवाल, लेकिन आज तक हमारी विधायक, वर्तमान विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े, आज तक जिसका भी काम हो उसका करा है, किसी का शायद न करा हो
वो हो सकता है, लेकिन किसी का आज तक गलत नहीं किया है, वो 100% में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, किसी का आज तक बुरा नहीं कह रहे। उससे कितने लोग सहमत? कमलनाथ से कोई बेर नहीं, देखिए कमलनाथ से कोई बेर नहीं और इस बार चंद्रभागा की कोई खेर नहीं। देखिए यहाँ पर जो मुद्दे से ये ऐसे में तो बढ़ जाएगी ना कांग्रेस। देखिए नहीं, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, माननीय कमलनाथ जी ने हमारे से जो मुद्दे मांगे आज, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ के जो हमारे मुद्दे थे कमलनाथ जी ने लगवाए और उसके लेकर आवाज भी उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है, तो हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कमलनाथ किसके साथ थे और आप किसके साथ? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए वर्तमान में जो कमलनाथ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो पावर में है, हमेशा सिस्टम में जो पावर में उससे लड़ा जाता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है तो उससे लड़े हम लोग, शिवराज सिंह चौहान जी से लड़े, ना कि कमलनाथ से लड़े। जैसे आप आदरणीय बड़े भैया राजू जी पटेल, कमलनाथ जी की से कोई खैर नहीं और आदरणीय बुआ जी से कोई बैर नहीं, तो कमलनाथ से बैर नहीं, बुआ जी की खैर नहीं, खैर नहीं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार इन्होंने बोला उस प्रकार हम लोग भी बोलना चाहते हैं कि गद्दारों की खैर नहीं है। और आदरणीय राजू भैया जो जयस के है, हमारे बड़े भैया है, तो उन्होंने आज तक कांग्रेस पार्टी का कभी झंडा नहीं उठाया। इनको कांग्रेस पार्टी ने जिला पंचायत का सदस्य का टिकट दिया और उनकी माता श्री उनकी कांग्रेस पार्टी के दम पे आज जिला पंचायत सदस्य है, वो आज कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, उनका मैं खंडन करता हूँ, ये गलत है। आज तक जो कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं उठाया है वो उनका विरोध करने का कोई हक नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता, उनको आज निष्कासित करना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी की। देखिए देखिए एक 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 मिनट, मोती भाई, देखिए मोती भाई मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। शायद आप भूल चुके हैं कि कहाँ पर कैसे जिस प्रकार आज कांग्रेस के पीसीसी सदस्य हमारे साथ है, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ है, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हमारे साथ है। और रही बात, और नहीं आपने अपनी बात रखी, मेरी बात भी तो सुनिए आप, रही बात कांग्रेस से जिला पंचायत है, कांग्रेस ने अधिग्रहित किया, इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से हमने जो मांग किया, कांग्रेस के साथ जिन मुद्दों के साथ मांग किया, कांग्रेस ने क्या किया? हमारा कांग्रेस से कोई विरोध नहीं है, हमारा केवल विरोध है तो वर्तमान प्रत्याशी के विरोध आज हम कर रहे हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हमको बुआ जी से भी कोई मतलब नहीं है, हमको तो जो पंजा लाएगा उसके साथ में है, हम पंजे के साथ में, जो पंजा लाएगा जिसमें दम हो वो पंजा लिया है, हम पंजे के साथ है, कोई भी लाएगा हम उसका काम करेंगे। अगर हम कमलनाथ का आदमी है तो पंजे का काम करो बस। बीजेपी कहाँ, जैसे वो आपस में बात चल रही, जैसे एक तरफ है कांग्रेस एक तरफ है, बीजेपी कहाँ है? बीजेपी बीजेपी की तरफ है, आम जनता के साथ है, किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, तो जनता साथ दिखाई देगी? अरे साथ है ना, 2018 में नहीं थी सर, नहीं इस बार है, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे इस बार। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि विकास किया है, लाडली बहना योजना है, क्षेत्र का विकास किया है सरकार ने, पूरे दीन दुखियों की सहायता करी है, बच्चों से लगाकर बूढ़े तक के सहायता की सब योजना चालू है सरकार की, इसलिए सरकार बनेगी और भाजपा का उम्मीदवार जीतेगा। आपको बधाई देता हूँ कि आपने बाबा साहेब अम्बेडकर के गार्डन में ये आयोजन रखा, सबसे बड़ा आज की तारीख में खतरा जो है वो संविधान को है, पूरा देश देख रहा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। दूसरी चीज, यहाँ पे जो विकास हुआ है, अगर विकास हुआ होता तो शिवराज सिंह को इस बार फिर से मुख्यमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता, पार्टी खुद ही समझ रही है कि विकास नहीं हुआ। रहा सवाल हमारे विधायक का, विधायक बनने के बाद 11 महीने में सरकार गिरा दी गई, खरीदी बिक्री करके सवा दो साल कोरोना के गए, सबको मालूम है 5 किलो गेहूं के अलावा मोदी जी ने कोई काम नहीं करा, और जो थोड़ा बहुत इनका विकास हुआ है उसका यदि हम लोग प्रमाण आप लोग चाहेंगे तो हम आपको 50 जगह ऐसी जहाँ दिखा सकते हैं जहाँ रात को विकास हुआ और सवेरे उखड़ गया। लेकिन सर ये जो जयस बीच में आ रहा है, आप भी कह रहे हैं, मैंने फिर आपसे बोला है जयस हम एक ही परिवार के लोग हैं, अभी और समय बाकी है और जिंदगी भी बहुत बाकी है, हमारे जितने उम्मीदवार है युवा है इनका आने वाला भविष्य अच्छा है, मैं भगवान से कामना करूंगा कि इनका भविष्य भगवान भविष्य में इनको मौका दे और ये लोग भी हमारा नेतृत्व करें, वो काफी समझदार लोग हैं। समझदार लोग हैं।
ये आप देख रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आपके लोग कम नजर आ रहे हैं मुझे, हम लोग नहीं कम नजर आ रहे हैं लोग मुझे, बुलाया नहीं, खबर नहीं थी तो कैसे हम सिस्टम में घूम रहे हैं, यहाँ क्या करेंगे हम, अपने जनसंपर्क में से प्रत्यक्ष जनसंपर्क में से अभी आया हूँ, हमारा जनसंपर्क चल रहा है मोरतलाई में, वहाँ से अभी आया मैं, हम विकास के नाम पे लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्र का और राज्य सरकार का चौमुखी विकास क्षेत्र में पूरे जो कुछ हुआ वो 70 साल की सरकार ने किया, कुछ नहीं किया, उनको उनको यही पूछना चाहिए सेंधवा से खेतिया मार्ग कैसा था, निवाली से एक मिनट आ रहे आ रहे, निवाली से पलसुत मार्ग कैसा था, कांग्रेस के राज में क्षेत्र में कोई तालाब नहीं बने, कोई सड़क नहीं बने, बिजली के हालात बहुत खराब थी, कंडेंसर युग था, लोग रात में सो नहीं पाते थे, मच्छर काटते थे, किसानों के खेती बाड़ी में पानी नहीं मिलता था, उत्पादन घट गया था, लोग गरीब हो गए थे, अनाज नहीं पकता था, फसल नहीं पकती थी, लोगों का जीवन बीजेपी ने करा दिया, सब बीजेपी ने करा, बीजेपी सुना बीजेपी ने किया ना भाई, मैं आंकड़े दे रहा हूँ आजादी के बाद से कांग्रेस के शासन 2003 तक 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है, ये भाजपा की सरकार शिवराज सिंह चौहान सरकार की देन है। जवाब दी, बात नहीं होगी, जिस प्रकार से किसानों की इनको चिंता है, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के राज में मध्य प्रदेश का आदमी इतना लाचार नहीं था कि 5 किलो गेहूं के लिए, सड़े हुए गेहूं के लिए लाइन में लग के अपना घंटों दिन बिगाड़े, खुद सक्षम था, खुद कमाता था, खुद खाता था, शिवराज सिंह ने और मोदी ने जिस स्थिति में ला दिया कि वो 5 किलो गेहूं नहीं दे तो 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं पे जीवित थे इस देश में, और जो है शाइनिंग इंडिया अलग चल रहा है, जो इनके भाव 5 साल पहले थे वही आज भी 4,000 रुपए, खाद के भाव जो DAP 750 रुपए मिलता था वो आज 1400 से 1500 में मिल रहा, तो ये बोलते विकास विकास, अच्छी बात है इन्होंने विकास की बात कर रही है, तो कांग्रेस ने जो इन्होंने फ्री में बांटना जो लालीपाप दिया इनका, तो इनका लालीपाप में कितने लोगों की खेती बाड़ी छूट गई, कितने लोग काम कर रहे हैं, गारंटी जो कांग्रेस की उसमें भी दिख रहा है सर, अगली बार जब आएगी तो हमारी गारंटी अगर ऐसी थी तो शिवराज सिंह ने तो जो 500 रुपए बोनस था वो बंद करवा दिया, जो 72 घंटे में ट्रांसफार्मर मिलता था वो अभी 1-1 महीने में मिल रहा, ये जो बिजली की बात कर रहे हैं तो बिजली का तो तहस-नहस अभी सही कर दिया, कितने ट्रांसफार्मर ऐसे जो वेटिंग में है और 1 महीना हो गया, 1 महीने से अभी तक लोगों को ट्रांसफार्मर नहीं मिला है, कैसे बिजली की बात, सारे ट्रांसफार्मर भी मिल रहे हैं, कहीं कोई बिजली की समस्या नहीं है, अब ये तो मनगढ़ंत जो है ये विपक्ष का काम है आरोप लगाना, क्षेत्र के किसानों का चौमुखी विकास हुआ है, क्षेत्र में तालाबों की एक श्रृंखला बनी है और उससे जल स्तर जो 600 से 700 चले गया था ऊपर आया है, बिजली दिव्य सिंह जी के राज में कंडेंसर युग, आज भी किसान रोते हो उस युग को याद कर ले तो, आज पर्याप्त बिजली गांव में 24 घंटे खेती के लिए 10 घंटे और उसमें पर्याप्त बिजली और तालाब, खेती किसानी से विकास हुआ, और गेहूं जो है कांग्रेस के शासन में लाल गेहूं मिलता था वो भी 10 रुपए 12 रुपए, अभी 1 रुपए किलो गेहूं मिलता है, वो विदेशों का अमेरिका का गेहूं था, भारत में गेहूं उतना होता था, आज मध्य प्रदेश का गेहूं पूरे विश्व में फेमस है, मध्य प्रदेश का चावल पूरे विश्व में फेमस है, निर्यात होता है, इतना उत्पादन शिवराज सिंह जी के सरकार के, इसलिए आपको लगता है कि आपकी सरकार बने कुल बनेंगी और बनेंगी और बनेंगी। मेरा एक ही सवाल है, कांग्रेस ने अगर विकास नहीं किया, सुनो, कांग्रेस ने अगर विकास नहीं किया तो ये हमारे भाई साहब बीजेपी से कांग्रेस में क्यों आए थे? व्यक्तिगत बात नहीं करना, मुद्दे व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा अच्छी थी और जितने भी विकास कार्य हुए हैं ये बाला बच्चन की देन है, और आपके भी तो बहुत सारे बीजेपी में चले गए सर, आपके तो 28 छोड़ के चले गए थे बीजेपी में, बीजेपी में गए पैसे की लालच में गए, आपके यहाँ तो पैसे का लालच नहीं, उनके यहाँ जाए तो पैसे का लालच, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ निष्पक्ष, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ जब लोग आए तो वो पैसे का लालच नहीं, वो विचारधारा से मिल के आ गए, और आपके यहाँ से वहाँ चले जाते, इनको यहाँ विकास के कार्य ज्यादा हो रहे थे, बाला बच्चन जीत है यहाँ, इसलिए ये महाशय कांग्रेस में आए थे। सर जवाब दे, विकास पे बात करो और क्षेत्र के चौमुखी विकास पे बात करो, मुद्दे पे बात करो, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाना मेरे को बहुत आता है, मैं भी लगा सकता हूँ ना भाई साहब, देखिए हमारा ये कहना पड़ता है
कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय पान सेमल में किसानों की आपको चिंता हो रही थी, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है, यहाँ पर पान सेमल की विकास की आप बात कर रहे हैं तो पान सेमल में कॉलेज की व्यवस्था क्यों नहीं है, पान सेमल में आज आप विकास अभी याद आ रहा है आप लोगों को तो पान सेमल में यहाँ पर गधे से पीने का पानी क्यों भरा जा रहा है, पान सेमल में विकास की बात याद आ रही है तो यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं है, ये इन मुद्दों के ऊपर इन्होंने उसका जवाब कोई एक एक शिवराज सिंह जी के विकास का जो है अभी विगत दिनों पूरे राष्ट्रीय चैनलों पे यहाँ पर हमारे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र जो है खामघाट वगैरह वहाँ से गर्भवती महिला को जो लोग झोली में डाल के लाए पूरा राष्ट्रीय चैनलों पे वो चर्चा का विषय रहा है, ये शिवराज सिंह का विकास जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाकी काम आपकी भी आपकी बात भी हमारे लोगों के जो काम है हमारे जो अस्पताल हमारे कांग्रेस के शासनकाल में बनाया है उसको कलर करवाने की ताकत भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। बात कर रहे हैं वहाँ कांग्रेस का सरपंच भी वर्तमान विधायक है उनके भी द्वारा बताओ फिर, हम व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहते थे है ना, हम लगा रहे अभी 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 सरकार का सरपंच कांग्रेस का है, बोलो ना सरपंच कांग्रेस का विधायक। अंतिम दो सवाल है सर, समय समय हो गया, अंतिम दो सवाल है, कांग्रेस क्या लेकर जा रही है 2023 में? यहाँ से जो पलायन होता है उसको उसको रोकने के लिए इस देश में जो संविधान है उसकी रक्षा करने के लिए जो हमारे रीवा में जो घटना हुई हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर खड़े होके पेशाब नेमावर में अत्याचार मऊ और यहाँ पर जो अत्याचार हुए इन सब को रोकने के लिए गरीबों की आदिवासियों की और हरिजनों की जो रक्षा है वो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये है। बीजेपी का क्या एजेंडा है? बीजेपी का अंतिम व्यक्ति का विकास, जन्म से लगाकर मृत्यु तक की सारी योजनाएं, माता बहनों को डिलीवरी के लिए सहायता, लाडली बहनों के लिए सहायता और शिक्षा के लिए स्कूटी, निःशुल्क शिक्षा, और शिक्षा की बात करते हैं भव्य कॉलेज पान सेमल निवाली में बना है, भव्य आईटीआई खेतिया में बना, ये भाजपा की देन है, कांग्रेस की देन थोड़ी है, भाजपा की देन है ये। और अभी संबल योजना में मृत्यु पे 2 लाख, सामान्य मृत्यु पे, दुर्घटना पे 4 लाख, 0% ब्याज पे किसानों को कमलनाथ जी ने किसानों का शोषण किया, 0% ब्याज की योजना बंद करी, वापस शिवराज सिंह जी ने चालू करी, बिजली कम करी, बिजली का घंटे कम कर दिए। जयेश अलग से लड़ेगी क्या? बिल्कुल, जयेश शिक्षा रोजगार, जयेश शिक्षा रोजगार और पलायन को रोकने के मुद्दों को लेकर जाएगी। देखो कमलनाथ ने आज तक जब 15 महीने की सरकार रही थी, कमलनाथ ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, जो 3 सेक्टर में बांटे थे, मीडियम सेक्टर, मिडिल में और अपर में, अब जो मिनिमम था उसका किसानों का 27 लाख तक का कर्जा माफ हुआ। कॉलेज की बात कर रही है, कॉलेज की बात करें, हमारे ये क्षेत्र जो आता है जनजाति क्षेत्र आता है हमारा, यहाँ पे हमारे कॉलेज का नाम होना था रुमालिया नायक का, और इन्होंने अटल बिहारी का नाम किया, जबकि वहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह जितनी भी कमेटी है सारे आदिवासी लोग बैठे, उसके बाद भी इन्होंने विरोध किया। नाम की सियासत हो? नहीं, नाम की कोई सियासत नहीं, भीमा नायक जी का नाम भी दिया बड़वानी में भीमा नायक जी का भी नाम दिया है, सब जगह सभी राष्ट्र पुरुष, भाजपा जो है सभी राष्ट्र पुरुषों का सम्मान करती है, सब जगह अलग अलग नाम दिए गए हैं, ऐसा कोई नहीं, सभी ने अपने अपने नाम दिए, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन मुद्दा विकास के यहाँ पर रुक जाता है, दोनों दलों के अपने दावे हैं कि विकास के मुद्दे को लेकर आगे जाएंगे। 2018 में यहाँ कांग्रेस जीती, अब भारतीय जनता पार्टी तैयारी, नारेबाजी चलती दोनों तरफ से, कहीं कमलनाथ की बात होती है, कहीं शिवराज मोदी की बात होती है, और कई जगह जयेश की बात होती है, क्षेत्र जयेश में प्रभावित करता, कौन कितना असर दिखाएगा, लेकिन जिस तरह चर्चा चल रही है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव का पारा चढ़ेगा ये बहस और गर्म होगी। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़, बहस गर्म में इतना ही, नमस्कार।